कि आजकल के जमाने में हमारी 12 साल की बच्चियां इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्रामर, दे लर्न हाउ मेनी थिंग्स कि किस तरह मेकअप करना है। exactly. ये तो हकीकत है, बच्चों के ट्यूटोरियल्स देख के परेशान हूँ कि हाउ टू मेकअप, फुल मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस। फातिमा आपसे सेम सवाल करूंगी, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती। अच्छा माशाल्लाह से फातिमा जो है उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन भी बहुत जबरदस्त की, रमजान अल्लाह ताला ने इनको सिलेक्ट किया था कि वो अल्लाह के लिए बात कर सके, माशाल्लाह से इन्होंने वो भी किया है। तो मैं ये भी मेंशन कर दूं क्योंकि स्टार्ट में मैं बता नहीं पाई थी, फातिमा अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती और होस्ट ना होती, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से आप होस्ट भी हैं, तो फातिमा क्या होती? देखिए अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत ऑफर्स आ रही है, बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरी जो फील्ड है, मतलब मैं भी एक एक्टर होती। बहुत शौक है, स्कूल से लेके थिएटर में, कॉलेज में बहुत लाइक एक्सपीरियंस रहा है। Good. तो अभी तो इस फील्ड में स्टार्ट है, अभी तो माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। अच्छा ये जो मेकओवर करना होता है ना, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। आप किसी का करके ना मेकओवर, आपको बड़ा ज़हनी सुकून मिलता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि आपने किसी को प्यार किया। ये नहीं कि मैंने मैं घर से नहीं मैंने मेकअप सीखा, मैंने प्रॉपर क्लासेस लिए हुए हैं, दुबई से लिए हुए हैं, इंटरनेशनली मेकअप मतलब सर्टिफाइड हूँ मैं। क्या बात, तो इसके लिए जरूरी है आज। अच्छा ये भी बड़ा जरूरी। अच्छा फातिमा आपने नोट किया था पहले, रबिया भी को भी पता जाए कि जब आप मेकअप आर्टिस्ट अब कहा जाता है ना, पहले पार्लर वाली या सैलून प्रॉपर आपको सारी सर्विसेज देनी पड़ती थी। अब हमारे जो माशाल्लाह से एजुकेटेड लड़कियां हैं या पढ़ी लिखी हैं जैसे कि फातिमा है, रबिया है, इसके अलावा जो नए लोग आ रहे हैं ना, उन्होंने अपने अपने स्टूडियोज बना लिए सिर्फ मेकअप के लिए, और वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही बन रही है, प्रॉपर वर्कशॉप्स होती है। अब प्रॉपर अगर आप सर्विसेज नहीं भी दे रहे तो नो प्रॉब्लम, और ट्यूटोरियल से इतना सीख रहे हैं लोग। लेकिन रबिया मेरी इस बात से शायद एग्री करे, रबिया उस वक्त की जो बच्चियां थी ना, उनमें जो मासूमियत थी ना, वो आज नहीं है। ये हकीकत से फातिमा ने जितना बोला है कि मैं वाकई आज के बच्चों को देख के हम भी बच्चे थे या वो एज, हम कंपैरिजन करते हैं अपनी एज के, यार ये चीजें तो हमें पता भी नहीं थी, पता ही नहीं थी। बहुत शार्प थे, इस बात कर देते थे ना, तो ग्रोथ भी नहीं, चलाकों वाले नहीं बनना बेटा, ऐसे होता था ना। लेकिन माशाल्लाह काम बहुत अच्छा करे, जाहिर टेक्नोलॉजी आ गई, वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी तरबियत है, जो अदब है, वो जो हम में था ना, शायद वो थोड़ा मिसिंग है उन लोगों में, वो नहीं है। बाकी माशाल्लाह से काम करने में, पैसा अर्न करने में, किस तरह से आपने एंटरप्रेन्योरशिप में देख लीजिए, बच्चियां इतनी आगे हैं माशाल्लाह से, ये अच्छी बात है। लेकिन रबिया वो थोड़ी चीज मिसिंग है, जो हमारा अदब हुआ करता था ना खलाओं के साथ, हमने पिछले आज भी है, आज भी है। हमने पिछली सिटिंग में एक बात की थी यही तरबियत के बारे में, बिल्कुल। तो जो बच्चियां हैं ना आजकल की, ये पीछे से आपका ब्रॉटअप भी होता है कि आपको किस तरह ब्रॉटअप किया जा रहा है आपका ना। तो हमारा तो ब्रॉटअप बहुत सख्त हुआ हुआ है, हमें तो आईब्रोज बनाने की भी इजाजत नहीं होती थी। और आज आप देखें कि फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जो बच्चियां हैं वो अपना माशाल्लाह खुद प्लकिंग कर रही हैं, खुद सब फोन सुनने की इजाजत, हमें फोन कॉर्डलेस होते थे, और ऐसे और अब तो मोबाइल हर बच्चों ने बाकायदा डिमांड करते हैं कि भाई हमने ये मोबाइल रखना है अपने पास। लेकिन मुझे लगता है वो टाइम ज्यादा अच्छा था, टाइम ज्यादा वो मासूमियत, वो सादगी की अपनी खूबसूरती होती है, वो बड़ा मजे का था रबिया, वो बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन आज के बच्चों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेके, चीजों को लेके इतना आगे आगे, लेकिन अपनी जो आपकी चीजें आपकी फैमिली से आपको मिलती है, आपकी जो तरबियत है, या हम मुस्लिम्स हैं और हमारा जो घर का कल्चर है ना, वो नहीं खत्म होना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। माहिर नफ्सियात हमारे साथ क्योंकि मौजूद है, थोड़ी थोड़ी साथ हम ये बात भी करेंगे। आप देखते हैं आज के बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में, उस एज में हम लोग डिप्रेशन में, हमें होता था ईद का एक जोड़ा मिल रहा है ना, तो बस चूड़ियां मिल जाए, जूते मिल जाए और हम खुश। आज बच्चों के पास सब कुछ है, अच्छी रात नींद नहीं आती थी। आज के बच्चों को लाड की आदत हो गई है, अगर हम जरा सा उनको टोकते हैं ना तो वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें टोका क्यों, क्यों टोका। और हमें हमारे वक्त में ये होता था, हमारी अम्मी ने हमें जो चीज भी ला के दे दी ना, तो हम लोग आमीन करते थे, हम कहते थे माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, और हम पहनते भी थे और खुश भी बहुत होते थे। हम अपनी मासियों के घर बहुत खुशी खुशी जाया करते थे, हम अपनी कजनों में बहुत अच्छे तरीके से बैठा कर। लेकिन आजकल के बच्चों के पास जो गैजेट्स आ गए हैं ना, अगर हम जरा सा पेरेंट्स जो हैं उनको रोकते हैं टोकते हैं, तो वो इस चीज़ को डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें क्यों रोका टोका गया है, हम अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, आप हमें करने दें। और ऊपर से कोरोना ने इतना लेजी कर दिया है बच्चों को कि जो पढ़ते भी थे मैं कहती हूँ सभी इजी हो गए, नहीं वो भी बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। मैंने मेरी बाजियों के बच्चे भी हैं और मैं देखती हूँ कि कोई भी स्टडी नहीं कर रहा इस वक्त, और ये बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इस वक्त, जो लॉस हो रहा है वो बच्चों की एजुकेशन का हो रहा है,
तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी से लेकिन वायरस चूंकि एक वबा है इसकी वजह से बहुत से लोग हम में नहीं रहे, लेकिन इस वायरस की वजह से पॉजिटिव चीजें भी बहुत हुई है, जैसे फैमिली की गेट टुगेदर, फैमिली को टाइम देना, एक टेबल पे खाना लगना शुरू हो गया है, अगर आपकी हॉबी थी बुक रीडिंग आप बुक पढ़ना शुरू हो गए, अब आपके पास टाइम ही टाइम है। अब ये गलत बात है कि भाई मुझे वक्त नहीं मिला, दोस्तों के लिए भी आपने कभी किसी को कॉल नहीं की थी ना, तो लोग कोरोना से पहले वाकई में टाइम नहीं था, हम अपनों से ही नहीं मिल पाते थे, नहीं अगर आपकी फ्रेंड शादी टाइम नहीं दे सकते तो आप उनको कॉल नहीं कर पाते थे कई कई। अब मैंने देखा लोग वीडियो कॉल्स पे कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए बात करें, ये अच्छी चीज बिकॉज टाइम है, आपका टाइम है, और इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि टाइम गुजारने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप, हाँ जी जी प्लीज, मैं जिंदगी एक तलाश का नाम है बिल्कुल, और रिश्ते जो है जदोजहद, मैं तो इनको जदोजहद कहती हूँ, अपनी मंजिल को तलाश करने के लिए ना आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह रिश्ते हैं, और अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ना फिर आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इनको खुश करना पड़ता है, थोड़ा सा नरमी भी लानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, और इसी कोरोना में भी ना आप देखिए, आपने एक चीज नोट की होगी, जो थोड़ा सा दूर भी थे वो कोशिश, उन्होंने कोशिश की है कि ना हम किसी का पता करें, हम किसी के नजदीक आ सके, अगर कोई रूठा है तो उसको मना ले, किसी को हेल्प करना चाहिए, किसी को हेल्प करना चाहिए। हर इंसान के अंदर चेंज आया है बिल्कुल, हम कोरोना की बस नेगेटिविटी की तरफ ही देख रहे हैं, उसकी कुछ पॉजिटिव आए हैं, उसकी नेगेटिविटी सिर्फ यही है कि वो बीमारी है और उसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है, बिल्कुल उसकी पॉजिटिव चीज ये है कि हम अपने रिश्तों के नजदीक चले गए, हम अल्लाह के करीब चले गए हैं, मतलब कि मतलब हम बात करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, या हम फैमिली के साथ बातचीत कर लेते हैं, और इवन कि अब हम किचन में भी जाते हैं, किचन में भी जाने शुरू हो गए, हम बहुत सारी रेसिपीज बनाते हैं, हमारे मर्दों ने बहुत कुछ बनाना सीख लिया है, मर्द मजा आता है, मेरा हस्बैंड किचन में खत्म हो गया है, वो जो एक हम लोग रैली निकाला करते थे वो खत्म हो गई, अब लग रहा है कि हाँ सही कंपेनियन है, सही पार्टनर है घर में मौजूद, रबिया ऐसी।